दिल्ली में महिला कैब ड्राइवर के साथ लूट और मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी अमित उर्फ सनी को भजनपुरा से पकड़ा है। आरोपी पर पहले भी 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। दिल्ली में महिला कैब ड्राइवर से लूटपाट की कोशिश करते हुए दो बदमाशों ने बोतल से कार के शीशे तोड़े, पत्थरों से हमला किया। हमले में महिला कैब ड्राइवर को चोट आई। पीड़ित महिला प्रियंका ने बताया उसकी किसी ने मदद नहीं की, पुलिस भी मदद के लिए नहीं पहुंची, पैनिक बटन ने भी काम नहीं किया। प्रियंका ने बताया घटना के दौरान लोग मदद करने की बजाय वीडियो बना रहे। कस्टमर को कश्मीरी गेट एग्जिट गेट से पिक करने के लिए जा रही थी। दो लोग आए, पहले उन्होंने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया पत्थर मार के, जिससे मेरे सिर पे भी काफ़ी चोट आई है। उसके बाद में जब मैं देखने के लिए रुकी तो दो लोग आए, उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया, फ़ोन छीन लिए, पैसे छीन लिए। जब उन्होंने गाड़ी छीनने की कोशिश की तब उनके मेरे बीच में हाथापाई हो गई। उनमें से एक ने मेरी कांच की बोतल मार दी गली में। मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी पर कोई भी नहीं रुका। फिर एक उत्तराखंड के बस वाले अंकल आए, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरा फ़ोन लेके PCR को कॉल किया। PCR हालांकि पास में ही खड़ी थी मेरे 300 मीटर की दूरी पे, पर उन्होंने फिर भी आने में आधा घंटा लगाया। और एम्बुलेंस तो मतलब 2-3 घंटे बाद मुझे कॉल कर रही है कि मैम आपको एम्बुलेंस चाहिएगा। फिर PCR वाले मुझे हॉस्पिटल लेके गए। राजू राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। राजू राज, इस पूरी खबर में हमने कल एक खबर पर बातचीत की थी जिसमें समाज तमाशबीन बना रहा, यहां पर फिर वही बात साबित हो रही है और पुलिस को 300 मीटर की दूरी तय करने में आधा घंटा लग गया इस मामले में। जरा बारीकी से बताइएगा ये खबर और कितनी बड़ी लापरवाही है समाज के पहलू पर भी, पुलिस के पहलू पर भी। देखिए, हर पहलू के लिहाज से इस खबर पे लेकर, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम जो दावे किए जाते हैं, जो सिस्टम की बात की जाती है, कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए। 9 तारीख की घटना है और देर रात चुकी एक महिला उबर कैब ड्राइवर है, अपना परिवार के जीवन यापन के लिए रात में कैब चलाती है और जिस पैसेंजर को लेने के लिए वो ISBT कश्मीरी गेट के एग्जिट गेट पे थी और वहां पर पैसेंजर का इंतजार कर रही थी, गाड़ी काफी स्लो थी उनकी। उसी दौरान दो बदमाश आते हैं, पहले महिला कैब ड्राइवर को पत्थर से उसकी गाड़ी पे मारते हैं और उसके बाद जैसे ही महिला की गाड़ी रुकती है और उस पर हमला कर देते हैं, मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, पैसे छीनने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ जो उसका कैब है वो छीनने की कोशिश करते हैं। महिला को चूंकि चोट लग जाती है, उसके गले पर चूंकि बॉटल से वार किया जाता है, टूटा हुआ बॉटल था, गर्दन पे चोट आते हैं, लेकिन वो मदद के लिए तमाम लोगों से मदद मांगती, आसपास के लोग से मदद मांगती, चूंकि ISBT एक ऐसा जगह है जहां पर 2400 घंटे लोगों की तादाद होती है, चाहे वो बस ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, तमाम लोग होते हैं, लेकिन किसी ने भी महिला की मदद नहीं की। आखिरकार आधे घंटे के बाद एक बस ड्राइवर जो वहां से गुजर रहा था, उत्तराखंड बस सर्विस का वो ड्राइवर था, वो महिला को देखता और फिर महिला के ही फोन से पुलिस को कॉल करता। ठीक 300 मीटर पर जो महिला का आरोप है कि वहां पर PCR वैन था, उसके बाद पुलिस का जो रिस्पॉन्ड टाइम था वो बिल्कुल सही नहीं था, पुलिस ने भी जिस तरीके से मदद करनी चाहिए थी वो मदद नहीं की है और उसके बाद वहां से आरोपी भी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ना तो पब्लिक ने मदद की, ना तो पुलिस के से जो मदद मिलनी चाहिए थी और ना ही एम्बुलेंस सर्विस के द्वारा, एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया था लेकिन एम्बुलेंस 2 बजे की घटना, 2:30 बजे की घटना, एम्बुलेंस का जो कॉल आता है उनके पास सुबह 6 बजे आता है। तो आप अंदाजा लगाइए जिस सरकारी एम्बुलेंस कैट्स का एम्बुलेंस होता है उसे आने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है, तो ऐसे में अंदाजा लगा सकता है कि अगर विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई शख्स फंसा होता है तो किस तरीके जो सिस्टम है, जो अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं राजधानी दिल्ली में, कैसे जब वक्त आता है तो वो खोखले साबित होते हैं। पैनिक बटन, जिस पैनिक बटन को दिया जाता है तमाम गाड़ी में, उसके लिए पे करना होता है, उसके बावजूद पैनिक बटन के काम नहीं करता। यहाँ तक उबर की जो कंपनी है उसके तरफ से भी महिला को किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो सिस्टम है कितने खोखले हैं। एक महिला को तकलीफ में होती है, ना तो उसका कंपनी की तरफ से मदद मिलता है, ना तो प्रशासन की तरफ से, और लोग तमाशबीन बने रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस तमाशबीन, पुलिस लापरवाह, एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो भी एकदम बेकार, समाज तमाशबीन बना हुआ और जिस कंपनी के लिए वो काम करती है उबर वो भी लापरवाह। आप सोचिए किस तरह का समाज बना हुआ है, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है।